इतना ग्लैमर आया आज, कितने दिन से हम शंभू जी के साथ रोटियां खा रहे थे। कभी इनसे कहते थे उल्टे होके बैठ जाओ, कभी सीधे होके बैठ जाओ, और ये दुनिया का इकलौता आदमी है जो पीछे से और आगे से सेम दिखता है। मतलब जब पहली बार मैं शंभू जी से मिला था ना होटल में, तो मैंने खुद ही अपना मोबाइल और बटुआ निकाल कर दे दिया था कि भाई सब गोली मत मारना। मुझसे कह रहे मैं आर्टिस्ट हूँ, वो भी बिहार से। मैंने कहा हम पंजाबी हैं, अपना बटुआ निकालो। पंजाब में ना पाजी दो प्रॉब्लम्स है सबसे बड़ी। एक पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पे पनीर में इतनी वैरायटी है और बच्चों के नाम में बिल्कुल भी नहीं। पनीर में पनीर लबाबदार, पनीर दो प्याजा, पनीर टिक्का, बच्चों के नाम में सुख सुखी सुखा, दी एंड। इतने सुखी है पंजाब में, कभी रॉन्ग नंबर लग जाए ना फोन उठा के वैसे ही पूछ लेना सुखी है। हाँ है भाजी, आप कौन? मैं सुखी। भाजी आप कौन? मैं भी सुखी। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पंजाब में, इंग्लिश। लड़कों ने पहले सवाल का आंसर रटा हुआ है, व्हाट इज योर नेम, दूसरे सवाल में आते ही कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आई डू, आई डू, व्हाट टू डू, देखिए यार व्हाट टू डू। मेरी छोटी सी बेटी है, मैंने डिसाइड किया कि मेरी बेटी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में जाएगी, अंग्रेजी स्कूल में जाएगी। और मिडिल क्लास के माँ बाप के ऊपर बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में डालने का इतना प्रेशर है। हम स्कूल ढूंढने गए, स्कूलों के नाम बड़े अलग अलग हैं। वेलहम्स इंटरनेशनल, सेंट ऑगस्टीन इंटरनेशनल, हमारी तरफ के स्कूलों के नाम भी वही चले आ रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। बच्चा पहले ही हाई हो जाता है सुन के। हम स्कूल में एडमिशन कराने चले गए, रिसेप्शन पे रोशेल जैसी लड़कियां बिठा देते हैं, शेखर जी जैसा बाप कहता है अध्ययन आज से तुम यहीं पढ़ोगे। अध्ययन कहता पापा मैं तो कॉलेज में हूँ, कह रहे बाप के लिए इतना नहीं कर सकता, पांच मिनट एडमिशन ले ले। और भटकती हुई रोशेल हमारे पास आके कहती है हाय हाय हाय, द फीस इज ओनली 70,000 rupees a क्वार्टर। मैंने कहा बहन 300 रुपए में खंबा आ जाता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सेंट जेरल्डीन लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए, बड़े बड़े पहाड़ों में लेके जा रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे को 8वीं बार चिड़िया घर ले जाते हैं, बंदर भी देख के बोलते तू फिर आ गया साले। और जब आप स्कूल में डालते हो ना अपने बच्चे को, तो बच्चा अग्रेसिव हो जाता है, लड़ाई करने लगता है। तो आप अपने बच्चे को समझाते हो कि बेटा डोंट डू दैट, हाथ नहीं उठाना बच्चे, किसी को मारना नहीं है बच्चे। लेकिन भाई साहब जब दो बच्चे लड़ रहे हो ना और आपका बच्चा जीत रहा हो, जो परमानंद मिलता है ना मैं बता नहीं सकता। मेरी बेटी को किसी बच्चे ने मार दिया तो रोती रोती मेरे पास आ गई, मैंने उठा के साइड पे ले गया। मैं कहा बेटा क्या हुआ, डोंट क्राई डोंट क्राई, साइड पे ले आके मैंने कहा मार खा गए लगा सा गए। मैंने कहा मैं बोलता रहूंगा पीछे से बेटा डोंट डू दैट डोंट डू दैट, तू रुकी हो ना तू मारती रही, धो दे इसको पकड़ के। नरुला जी जैसे आप शरारते करते हैं, आपको कभी पुलिस ने पकड़ के ऐसे मतलब मारा वारा नहीं है? नहीं पाजी मारा नहीं है, पर मेरा पुलिस से ना अलग तरह का रिश्ता है। क्या कैसा? मैं मैम छोटे से टाउन से आता हूँ, जब मैं बड़े शहर में आया था दिल्ली में पहली बार आया था, तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती होती थी कि बड़े शहरों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज का एक ही मतलब था, हमने रिश्ते बहुत देख रखी थी। और बड़े शहर में जब आप जाते हो ना तो वहां आप देखते हो वहां कितने पुलिस वाले खड़े होते हैं हर जगह, और हर नाके पे हर पुलिस वाले को गाड़ी के अंदर तक आना होता है एकदम। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? जब पहली बार मेरे साथ हुआ ना मैम, तो वो पुलिस वाला यहाँ पे है, और मुझे अपनी मम्मी की बात याद आ गई। मेरे दिमाग में चल रहा है इतना जल्दी। फिर मैंने वही किया जो कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन मेरी पोजीशन में करेगा, पप्पी कर दी मैंने। अरे पुलिस वाला हरियाणा भी था, कह रहा पागला हो रहा है, कह रहा चौमिन खा के आया के। कमाल की हमारे पुलिस वाले, बेचारा एक बिहारी नहर में नहा रहा है, तू तो पुल पे खड़ा हो, ओए बाहर आके कपड़े पाओ, ए कहना क्यों, कहना तुम्हारी तलाशी लेनी है। भाई अब वो भी ट्रेंड चेंज हो गया है। पुलिस वाले तलाशी लेते हैं तो कई लड़के यहाँ पे बैठे हैं ऐसे ऐसे, वो बोल देते चुई जैसे कि मजा आ रहा है फिर से करो ना। मैं पूछना चाहती हूँ लाइफ का सबसे डिफिकल्ट टाइम क्या था? एक बार अपने पिताजी से मैंने बुलेट मांगी थी, तो उन्होंने स्कूटरी ले दी थी, वो काफी डिफिकल्ट टाइम था। क्योंकि मैम मेरे जैसा लंबा चौड़ा आदमी दाढ़ी वाला उस मतलब मोटरसाइकिल चलाता था ऐसे, हाँ। और स्कूटरी लेती मैं यूं करके चलता था। अच्छा ये आपका मोस्ट डिफिकल्ट टाइम। हाँ हसरत सबकी होती है, तो गरीबी का आलम था, तो मेरे को जब पहला सेकंड हैंड स्कूटर मिला था ना घर में, तो मैंने सबसे पहले उस पर यही लिखवाया था ये कार है।
नरुला जी, आपका ह्यूमर बहुत अव्वल नंबर का था. Thank you. बहुत अच्छा. आई थिंक यू वर शॉर्ट एंड स्वीट एंड वेरी इफेक्टिव. Very casual, you own the stage. Thank you, sir. Pritesh, you really broke a leg, huh? Really? I know. Even on stage also. Thank you so much. I really loved the piece. It was amazing. And all the very best to you. Thank you so much. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.